शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ये हमारी कंगन है, इसे हमारा आशीर्वाद समझ के पहन ले और हमें माफ कर दे। क्या आप हमारे माँ बाबा का नाम जानना चाहेंगे? उनका नाम केशव और नेत्रा है। वैसे भी उस बच्ची की कोई जगह नहीं है इस घर में, जिसका बाप बाबा पे अपने कंधा कंधा छूटा इल्जाम लगाया, पहले अपने को फंसाया, फिर उनको घर से बाहर निकाला, अपने उन्हें मारने की भी कोशिश की। दादी अभी थोड़ी देर में हमारे माँ बाबा को घर में लाने वाली। पर ये पुलिस आंटी दादी और हमारे माँ बाबा से पहले ही मिल चुकी है और ये अभी आपको गिरफ्तार करने आई है, आपको पकड़ने आई है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। चंद्रा, हम तुम पे विश्वास करते रहे लेकिन तुमने हमारा घर तोड़ दिया, हमारे भाई को घर से बाहर निकाल दिया, वो भी झूठे इल्जाम में। आज से तुम्हारा इस घर से, हमारे बच्चों से और हमसे सारे रिश्ते खत्म। इंस्पेक्टर साहिबा, लेके चली जाइए इसको यहां से। ये इस हवेली में रहने के लायक नहीं है, ये सिर्फ उस जेल की काल कोठरी में रहने के लायक है। ले जाइए इसे। नहीं भानु, ऐसा मत करिए, हमें घर से मत निकालिए, हमें हमारे बच्चों से दूर मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें हमें माफ कर दीजिए, हमें घर से बाहर मत निकालिए। इंस्पेक्टर साहब, ले चलो इन्हें। नहीं भानु, नहीं नहीं भानु, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भानु नहीं, हमारे बच्चे से हमें दूर मत कीजिए। भानु नहीं, भानु भानु नहीं, भानु जी। ये मनु सपना हम कभी सच होने नहीं देंगे। तुमने 21 दिन मांगे थे ना श्रवणी, हम तुम्हारा खेल कल ही खत्म करेंगे। हे माता रानी, इस बार बचा लो, ये पला हमारे सर से हटा दो, हम चढ़ा हुआ छत्र चढ़ाएंगे, सबसे बड़ा वाला। इस बार बचा लो माता रानी। चंद्रा आंटी, आप माता रानी को रिश्वत दे रही है उनको? ऐसे तो वो आपकी बात नहीं मानने वाली, माता रानी तो सिर्फ सच्चे लोगों का साथ देते। तुम खड़ी होके हमारी बातें सुन रही हो? अरे नहीं नहीं, हम तो बस कह रहे थे अगर माता रानी से आपको कोई बात मनवानी है ना, तो पहले आपको टीम बदलनी होगी, अच्छे और सच्चे लोगों की टीम में जाना होगा, तभी तो माता रानी आपकी बात मानेंगी ना। अपना प्रवचन अपने पास रखो। ये बताओ तुम कहाँ गई थी? हम, वो कहते हैं ना, अगर कोई अच्छा काम शुरू करने जाए तो बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए, वही लेने गए थे। अरे आप बुरा मत मानिएगा, आपको थोड़ी ना भूले, अभी आशीर्वाद ले लेते। तुम पीछे हटो। तुम क्या हुआ बहू? आशीर्वाद ही तो मांग रही है, कौन सी तुमसे जायदाद मांग ली है? और हाँ, छोटी सी बच्ची है, आशीर्वाद तो दे सकती हो तुम। काल कोठरी से निकलकर बहुत आवाज निकलने लगी है आपकी। तमीज से बात करो चंद्रा, तुम्हारे ससुर हैं हम, तुम्हारे बाप की जगह। और हाँ, ये हवेली आज भी हमारी है, इसकी एक एक दीवार हमने बनवाई है, और यहां पर कुछ गलत होगा तो ये हम होने नहीं देंगे। दादाजी, छाने दीजिए ना, आप चलिए।
एक मिनट रुकेगा। ये लीजिए चंद्रा आंटी, गुड़ खा लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए और गुस्सा थूक दीजिए। लीजिए, भगवान जी ने दुगदुगी बजा दिए, अब जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है। आइए दादाजी आप हमारे साथ। अच्छा होने वाला है? कहाँ अच्छा होने वाला है? हम क्या करने वाले हैं? आई मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? मैं उसको अच्छी तरह सुनाता। नहीं दादाजी, जाने दीजिए ना, वैसे भी वो हमसे बड़ी है, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या हो गया? तुमसे बड़ी है? हमसे बड़ी तो नहीं है। अरे तुमसे बड़ी है तो थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए था। तुमको कोई कुछ बोले ये मुझको बर्दाश्त नहीं होता। अब तुम मेरी पोती जैसी हो। पोती जैसी नहीं, पोती ही है हम आपकी। अरे हाँ, तुम भी बंटी जैसी हो। ठीक है तुम्हारे अंदर हमारा खून नहीं है, लेकिन लेकिन वही तो कह रहे हैं हम कि हम आप ही का खून है। हाँ, हम आपके बेटे केशव की ही बेटी है श्रवणी। केशव की बेटी है? हाँ। केशव की बेटी यहाँ? ओहो, ये बड़े हो जाने के बाद सब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाता है। आपको ना इस बात पे खुश होना चाहिए और आप परेशान हो रहे। क्या है बेटा, उम्र हो गई है ना तो कुछ समझ में नहीं आता। चलो तुम्हारी दादी को बताते हैं। अरे हम दादी को पहले ही बता चुके हैं। को पता है तुम केशव की बेटी हो? हाँ, दादी आपसे जीत गई है। हम उनको पहले ही सब कुछ बता चुके हैं, इसलिए दादी ना मन्नत मांगने गई है कुलदेवी के मंदिर हमारे बाबा के लिए, ताकि वो जल्दी से इस घर वापस आ जाए। बस एक दो दिन की बात है, फिर वो आ जाएंगी। यहाँ केशव नेत्रा कहाँ है? ये बात उनसे खुद ही पूछ लीजिए। ये क्या कर रही हो तुम? हेलो हेलो, हम श्रवणी बोल रहे हैं, हमारे माँ पापा से बात करवा दीजिए ना। ठीक है, आपके लिए फोन है, ये लीजिए। हेलो, हेलो, केशव, केशव मेरे बेटा। हेलो हेलो भाऊजी, कब से तुम्हारी आवाज सुनने को मैं तरस गया था बेटा। बेटा तू कैसा है? हम ठीक है भाऊजी, हम एकदम ठीक है। आप कैसे भाऊजी? आपकी आवाज सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे। जब से आपकी छाया से दूर हुए तब से इसी उम्मीद में जी रहे बाबूजी कि आपसे एक दिन मिलकर हम माफी मांगेंगे। बेटा इतने साल तक तू कहाँ था? तूने कभी फोन भी नहीं किया। अपने बाप से नाराज था ना? नहीं बाबूजी, एक बेटा अपने बाप से कैसे नाराज हो सकता? तो बाबूजी हमारे हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि हम तो एक ही रास्ता बचा है, शादी करके दरवाजे पे खड़े हो जाओ। तुमको क्या लगता है आशीर्वाद मिलेगा तुमको? जो इंसान इस घर की इज्जत नहीं रख सकता, उस इंसान की इस घर में कोई जगह नहीं है। बस बेटा, हमारे राम का वनवास सब खत्म हो गया बेटा। अब तुम और नेत्रा सामान बांधो और जल्दी से तुरंत ही आ जाओ। नहीं बाबूजी, नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, बस तुरंत ही आओ। नहीं बाबूजी, अब हमारी बात को समझने की कोशिश करिए।
हम लोग घर आना चाहते हैं, पर हमें सबसे पहले भानु भैया को सच बताना होगा, उन्हें चंद्रा भाभी के बारे में सच बताना होगा, नहीं तो बहू जी आपका ये छोटा बेटा तो घर आ जाएगा, लेकिन ये सब जान के आपका बड़ा बेटा घर छोड़कर चला जाएगा बहू जी, और ये हम नहीं चाहेंगे। ठीक है बेटा, हम भानु को चंद्रा के बारे में सब कुछ सच सच बता देते हैं, उसके बाद तुम दोनों को यहाँ पर लेके आएगा। ठीक है बेटा। नीति, हम बता नहीं सकते इतने सालों के बाद बाबूजी से बात करके हमें कैसा लग रहा है। इतनी खुशी हो रही है जानकर कि बाबूजी ने हमें माफ कर दिया। हम जानते हैं। मेरी पोती इधर। इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा खेल, वो भी चंद्रा के साथ। ऐसी गलतफहमी तो किसी के दुश्मनों को भी ना। हाँ चंद्रा, बोलो। भानु जी, आप कब तक आएंगे? हम जा रहे हैं फैक्ट्री, चिंता मत करो, पार्टी शुरू होने से पहले पहुंच जाएंगे, 6 बजे तक लगभग। ठीक है? अच्छा, जल्दी आइएगा। आठ घंटे, सिर्फ 8 घंटे हैं हमारे पास इस बुड्ढे बुढ़िया और आफत की बुढ़िया का खेल खत्म करने के लिए, वरना हमारे खेल से पर्दा उठा देंगे ये लोग। तमाशा क्या लगा रखा तुमने? हम कोई नागिन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? चुबीन बजा रहे हो? नहीं बहना, नहीं, ना ही तुम नागिन नजर आ रही हो और ना ही हम कोई तमाशा कर रहे हैं। हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं बहना। तुम्हारे सिंहासन का तो कोई भरोसा भरोसा है नहीं, वो तो डामाडोल है, कभी इधर डोल रहा है, कभी उधर डोल रहा है, ना जाने किधर किधर डोल रहा है। भगवान है मालिक है तुम्हारे सिंहासन का, वापस से सपेरों की बस्ती में जाने के अलावा हमारे पास कौन सा आसरा है बताओ बहना? इसीलिए गला साफ कर रहे थे। हम ना तुम्हारा गला दबा देंगे। गला दबाइए दो, और सिर्फ दबा नहीं दो, मार दो हमको, किलो पकड़ो और धाए 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 धाए, तब तक मारते रहो जब तक हम मर नहीं जाते। जीजा जी के हाथ से मरे, बुढ़ा बुढ़िया के हाथ से मरे, चाचा अपनी बहन के हाथ से मरे, हमें भी गुट मिलेगा कम से कम। काय मातम मचायो, तुम मातम नहीं बचा रहे। धीरे बोल, दीवारों के भी कान है। जानती हो बाना, जौ के साथ घुन पिसा जाता है, वैसे ही पिसा रहे हैं। हम दोनों के पास कोई दूसरा तरीका नहीं है, एक के आइडिया है हमारे पास बाना। आज रात को तुम और हम दोनों भाई बहन यहाँ से निकल लेते हैं चुप्पे चाप। चलो। तुम साले हमारे सगे भाई हो या हमारे सौतेले हो? सगे, सगे। हम जो ये इतना साल अपना बर्बाद किए इन लोगों के साथ, इन मनुष्यों के साथ और तुम्हारे जैसे मनुष्य के साथ, किस लिए? वापस सपेरों की बस्ती में लौटने के लिए, ये बीन बजाने के लिए? बाना देखो, बूढ़ा बुढ़िया को पता चल गया कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, तुम संभाल लोगे, हमको पता है तुम्हारे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन जीजा जी को बताने में उसको देरी नहीं लगेगा। देखो
केसहुआ की बात पे तो जीजा जी नहीं मानेंगे, हमको मालूम है, लेकिन वो बीत भर की लड़की, उसके ऊपर अंधा भरोसा करते हैं वो। अरे तुमने चश्मा चिराग का जान बचाई हो, वो अपने ऊपर गोली खा के भलो कुछ करो। तुम ये फालतू का जो मातम बहलाए हो ना, बंद करो, रोना करो। उस दिन मर गई होती ना ये मनुष्य तो सही होता, पता नहीं कहाँ फंस गए हम। हमको पता है क्या करना है, अगला कदम क्या है हमको पता है। हेलो, हेलो, एक काम है जो तुम ही कर सकते हो। अरे गलती से, बदले में जो मांगोगे वो कीमत मिलेगी। समझो काम हो गया। सेमिन छोड़ के मत जाओ ना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। सही बात है, कोई रास्ता नहीं था ना तुम्हारे पास। वीरेन के साथ फ्लर्ट करने के सिवा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था। सही है, तो हमारी बात ध्यान से सुनो। वीरेन ने वो लेटर देख लिया था जो हमने तुम्हारे लिए लिखा था, समझ में आ रहा है तुम्हें? और वो सीधा भानु भैया के पास जा रहा था बताने के लिए। वैसे में हम क्या करते बताओ, उसका मुंह बंद करने के लिए यही एक चारा था। कौन सा चारा? वो हमने उसे बताया कि वो लेटर हमने उसके लिए लिखा है। तब तो ठीक है, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। रहो इस झूठ के साथ, रहो अपने वीरेन के साथ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ तुम्हें ढूंढने आए थे पंखुड़िया। हमें पता था यही मिलोगे तुम। वो क्या कहते हैं, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। हमें पता है तुम दोनों का राज। तो एक दिन कट गया और आज का दिन भी कट ही गया, तो हमारे पास बचे 19 दिन। अगर आज ही जीत जाए तो फिर तो हमें बड़ा मजा आएगा, और फिर ना हम माता रानी के चरणों में खिचड़ी भी चढ़ाएंगे। और अगर नहीं जीत पाए तो? नहीं, तो भी क्या, 19 दिन तो है ना। हम भले उम्र में कच्चे लेकिन हमें गणित बहुत अच्छे से आती है, हमें बाबा ने बहुत अच्छे से सिखाई है, पूरी मुंह जबानी। हमारे बाबा ने हमें गणित के साथ साथ बड़ों की इज्जत करना भी सिखाया है, लेकिन जब बड़े ही गलती करे ना तो फिर वो खुद ही छोटे बन जाते। अगर चंद्रा आंटी की गलती किसी कॉपी में होती तो हम किसी रबर से मिटा देते थे, पर ये तो बहुत बड़ी गलती है, हम इसको कैसे मिटा सकते। अगर इसको मिटा दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे सब कुछ सही हो जाए। पता है तो क्या कुड़ी, तुम इतना बुरा समझती हो, बुरा समझती हो। हमारी खुशी तुम्हारी खुशी में ये पगली। क्या मतलब, हम समझे नहीं। मतलब ये कि हम तुम दोनों के साथ हैं। सच में दी? अरे हाँ, और कैसे कहें, हम तुम दोनों के साथ हैं। Oh,
पावर जी। जय माई बाबू। लेकिन हाँ, अगर अगली बार तुमने हमारी बहिना को रुलाया ना तो देख लेना, वो क्या है ना, हमारी पंखुड़िया बड़ी सीधी है लेकिन हम बहुत टेढ़ी चीज है, देखा ही होगा तुमने। और वीरेन बाबू का क्या है? वो कुछ भी कहते रहते हैं, उनको तो हम संभाल लेंगे। और ये क्या बात हुई, हमारी बहन के बर्थडे वाले दिन तुम उसे छोड़ के जा रहे थे? गलत बात जमाई बाबू, गलत बात। और उसका हैप्पी वाला बर्थडे हैप्पी कैसे होगा अगर आप बिजी नहीं करेंगे उसको? तो चलो तुम दोनों मिस करो, हाँ जन्मदिन की बधाई दो, तभी ना हैप्पी बर्थडे होगा उसका। जेब बात। हैप्पी बर्थडे पंकरी। थैंक यू और सॉरी। पंखुड़ी तो पंखुड़ी है, मुरझा भी सकती है, लेकिन हम कांटा है, एक बार अटक गए तो बस छोड़ते नहीं है। और ये कांटा आज इस पार्टी में बड़ा कस के चुभेगा। तुम दोनों का भेद वीरेन बाबू के सामने होगा और तुम्हारी जगह वीरेन बाबू के दिल में हम होंगे। हाय भैया। बेहोश हो गया। चंद्रा भाभी किसी भी हद तक जा सकती है, जरूर उन्होंने भेजा होगा इसको हमें मारने के लिए। फोन बज रहा है। हेलो, हेलो, हेलो। भले ही हम दोनों देख ना सकते हो लेकिन आपको और आपकी हरकतों को अच्छे से पहचानते हैं। एक बात याद रखना भाभी, हर इंसान के बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है और हमारी वो सीमा अब खत्म हो गई है। भाभी आपकी उल्टी गिनती शुरू, आपने जो भी कुकर्म किए हैं ना उसका प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाओ भाभी। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।